हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल जी, इंडिया फर्स्ट फ्री ऑनलाइन स्कूल। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लाइमेट के बारे में। पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आप जाकर उसको देख लीजिए। और ना केवल पहली वीडियो, आपके 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसके 3 चैप्टर हम अपलोड कर देख सकते। आज हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो जिसके ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करता है। पिछली क्लास में 3 फीचर्स पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आज चौथा जो फीचर है उस पर बात करूंगा, विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स। विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स, पवने और वायु दबाव पेटियां, पवने और वायु दबाव पेटियां ये हमारा नया फीचर है जिसके ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करता है। बेटा पहली बात तो विंड, एक होती है विंड और एक होती है, दोनों में कोई फर्क है? ध्यान से समझना। अगर एयर के अंदर मूवमेंट आ जाती है, अगर हवा में गति आ जाती है तो ही उसको विंड कहते हैं। एक बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है, एयर के अंदर अगर मूवमेंट आ जाती है, और मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा किसी भी चीज में मूवमेंट होती है। अधिक वायु दबाव से कम वायु दबाव की तरफ चीजें हमेशा फ्लो करती है। और एयर की अगर मूवमेंट की बात करें तो जो एयर की मूवमेंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। कैसे? देख, मान लीजिए ये एक जगह है, ये हरियाणा है, और हरियाणा में आपको पता है कि गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। और एयर की मूवमेंट बच्चों दो ही तरीके से हो सकती है। जो मूवमेंट ऑफ एयर है, मूवमेंट ऑफ एयर दो ही तरीके से हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स। या तो एयर आपकी ऐसे चलेगी जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल क्षितिज, और या फिर एयर आपकी ऐसे मूव करेगी जिसको बोलते हैं वर्टिकल, तो बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब सवाल ये है कि एयर हॉरिजॉन्टल कब चलेगी? जब ये हैवी होगी, भारी होगी। और हवा बच्चों भारी तभी होती है जब उसके अंदर वाटर वेपर्स फिल्ड होते हैं। ये चैप्टर जितना इजी आपको लग रहा है उतना है नहीं, इसीलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। ये जो आज की वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, इट इज अ प्योर साइंस। ध्यान लगाकर सुनते जाएं, जहां आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा, आपकी जो ऐप है उसमें एक बैक बटन है, बैक करके पीछे चले जाइए 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर आगे आ। और वर्टिकल एयर कब मूव करती है? जब वो हॉट एयर के अंदर वाटर वेपर्स में, जैसे धुआं होता है माय डियर स्टूडेंट, धुआं स्मोक, जब हम जलाते हैं आग को तो धुआं ऐसे जाता है कि ऐसे जाता है? ऑफकोर्स ये ऐसे जाता है क्योंकि वो क्या है, हॉट एयर है। समझ आ गई? अब ये है हरियाणा भाई। हरियाणा मैं हम मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अभी मैंने बताया यहाँ की जो एयर है वो वर्टिकली मूव करेगी ऊपर, गर्म होके ऊपर जाएगी, चली गई। यहाँ की जो हवा है वो गर्म होके ऊपर चली गई। अब यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, निर्वात हो गया, यानी कि यहाँ हवा है ही नहीं। इसीलिए इस खाली स्पेस को भरने के लिए जो इसके आसपास की जो एयर है वो इस स्पेस की तरफ भागेगी। दोबारा सुनिए, हरियाणा का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये एयर गर्म होकर ऊपर चली गई, और यहाँ की जो एयर थी ये यही तो है जो ऊपर चली गई। इसका मतलब यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो जो साइड में जो इसके एयर है वो इसकी तरफ भागेगी। और अभी मैंने कहा जो एयर मूव करती है वो किससे किसकी तरफ मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसका मतलब ये कि जिस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहां लो प्रेशर एरिया बनेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? दोबारा सुनिए, किसी भी जगह का जो प्रेशर है, विंड प्रेशर की बात करें, जो विंड प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। वायु दबाव जो है, वायु दबाव वो उल्टे अनुपात में है तापमान। इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह का, किसी
किसी भी जगह का अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एक बात, और किसी भी जगह का अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो प्रेशर, इसका मतलब ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर आपका डाउन है तो वहां पे जो एरिया बनता है उसको हाई प्रेशर एरिया बोलते हैं, समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है ऐसे, एक बात। और इसी झुकाव की वजह से, इसी टिल्ट की वजह से जो सन है, पूरी जो सनलाइट है पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं पड़ती, जिसकी वजह से अर्थ जो है अलग अलग हिस्से जो है अर्थ के अलग अलग टेम्परेचर उनको मिलता है, और अलग अलग टेम्परेचर मिलने की वजह से ही उनके ऊपर अलग अलग प्रेशर जोन्स बनते हैं, अलग अलग प्रेशर बेल्ट बनते हैं। 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो डिटेल में प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। टोटल जो प्रेशर बेल्ट अर्थ में बनती है वो 7 है, आज डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही आपके सिलेबस का हिस्सा है और ना ही आपको समझ, अगले क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रेशर बेल्ट कितनी होती है। अभी सिर्फ ये समझिए कि प्रेशर बेल्ट्स क्यों बनती है, पहला बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, दूसरा बिकॉज ऑफ द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय सन। अगर अर्थ ऐसे झुकी हुई है तो आप समझदार हैं, पूरी अर्थ के ऊपर सनलाइट सेम अमाउंट में नहीं जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का अलग अलग हिस्सा अलग अलग टेम्परेचर रिसीव करेगा और अलग अलग टेम्परेचर रिसीव करेगा। आपको मैंने अभी बताया यहाँ पर अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स, और बच्चों अगर अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स बनेंगी तो जो विंड है, जो विंड चलेंगी वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर बेल्ट से लोअर प्रेशर बेल्ट की तरफ, तो क्लाइमेट को ये विंड्स और प्रेशर बेल्ट ये भी इफेक्ट करती हैं, समझ आई। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दो विंड्स के बारे में बताना चाहूंगा, एक है आपका लैंड विंड और एक है आपका सी विंड। हालांकि ये क्लास 11th का टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी। इसको बोलते हैं स्थलीय पवने और इनको बोलते हैं माय डियर जलीय पवने। ज्योग्राफी इज अ प्योर साइंस, इज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, देयर इज नो क्रैमिंग रूल हियर। अब देखिए साफ ध्यान से समझना, दिन का समय है, इट इज डे लाइट एंड दिस इज योर होम एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज सी, ये सी है, वाटर बॉडी है और ये लैंड है। तो बेटा लैंड के ऊपर आपको क्या मिलेगा, रेत, और वाटर बॉडीज में या सी में क्या मिलेगा, वाटर, है ना, वाटर। दिन का समय और आप अच्छे से जानते हैं कि एज कंपेयर टू वाटर रेत जो है, सैंड जो है, वो जल्दी ठंडा भी होता है जल्दी गर्म भी होता है, और पानी देर से गर्म होता है देर से ठंडा होता है। इसका मतलब ये कि अगर इन दोनों के कंपैरिजन में बात करूं वाटर और लैंड सैंड में, तो यहाँ का टेम्परेचर आपका क्या होगा, हाई। और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आप समझदार हैं यहाँ पे कैसा एरिया बनेगा, लो प्रेशर, और यहाँ कैसा एरिया बनेगा, हाई प्रेशर। इसीलिए एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। दोबारा सुनिए, इन दोनों के कंपैरिजन में सैंड का टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर एरिया बनेगा, अभी बस समझाया मैंने, और यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा जिसकी वजह से यहाँ लो होगा जिसकी वजह से यहाँ हाई प्रेशर। अब बच्चों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स चल रही हैं, और विंड्स कहाँ से चलना शुरू हुई हैं, जल से, तो इसलिए इनको कहेंगे जलीय पवन। जैसे आप अगर हरियाणा से हैं तो आपको क्या कहेंगे, हरियाणवी, पंजाब से हैं तो क्या कहेंगे, पंजाबी, भारत से हैं तो आपको क्या कहेंगे, भारतीय। वैसे ये जल से चल रही हैं, इनका ओरिजिन जो सोर्स है वो जल से है, इसलिए इनको बोलेंगे जलीय, यानी कि सी विंड्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सी विंड्स कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं, ऑफ कोर्स वाटर टू लैंड की तरफ चलती हैं, और कब चलती हैं, डे में, दिन में चलती हैं। देखिए सूरज निकला हुआ है तो ये यहाँ की जो विंड्स हैं वो ऊपर जाएंगे गर्म होके, और ये एक साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं। तो बेटा लैंड विंड और सी विंड अभी मैंने बताया, डे में सैंड जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है, अगर ये जल्दी गर्म होगा तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर बनेगा, यहाँ हाई बनेगा, हाई टू लो विंड्स जाएंगी। अब ओरिजिन सोर्स क्या है, वाटर, तो इसलिए इनको सी विंड कहेंगे।
अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडियन कहेंगे, भारतीय कहेंगे। अब ये जो विंड्स है ये जल से चलना शुरू हुई है, इसलिए इनको जलीय कहेंगे या सी विंड्स कहेंगे। समझ आ गई? तो क्लाइमेट्स जो है वो विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स पे भी डिपेंड करता है। एक और इसमें है आपका ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट्स इसके ऊपर भी आपका क्लाइमेट डिपेंड करता है। ओशियनिक करंट्स को कहते हैं समुद्री जल धाराएं। समुद्री जल धाराएं बच्चों, बात ऐसी है जैसे मैंने कहा, इनइवन हीटिंग की वजह से, अनइवन हीटिंग की वजह से अर्थ के ऊपर बहुत सारी प्रेशर बेल्ट बनती है, अभी आपने जिसकी वजह से समुद्र के अंदर भी रिवर्स बहती हैं। यस, समुद्र के अंदर भी रिवर्स बहते हैं, यानी कि जो वाटर है वो सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन ओशियंस, समुद्र या महासागरों के अंदर जो पानी है उसके अंदर जल धाराएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। कैसे इफेक्ट करती हैं, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। लास्ट आपका रह गया जो फीचर जिसके ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करता है, वो है रिलीफ। रिलीफ का मतलब है कि वहां की ज्योग्राफी कैसी है, क्या वहां पे प्लेन है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू है, वैली है कि क्या है। वैली, प्लेट्यू, ये सब क्या होते हैं, चैप्टर 2 और 3 में मैंने आपको बताया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट फीचर हम पढ़ लेते हैं, क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर हम शुरू करेंगे बारिश। जी हाँ, आज बारिश लानी है हमें इस वीडियो में, किस तरीके से भारत में बारिश होती है वो भी हम सुन। ओके, नोट करिए इसको। नेक्स्ट फीचर इज रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है भूखंड। मतलब ये कि जिस देश में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस देश के बारे में, यानी कि हमारा जो मुल्क है, हमारा प्यारा देश इंडिया, उसमें क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या चीजें उसमें है। माउंटेन्स हैं, बिल्कुल है। हिल्स हैं, बिल्कुल है ना। वैलीज हैं, बिल्कुल है। इनको घाटी कहते हैं बेटा, इसको पर्वत कहते हैं, इसको पहाड़ी कहते हैं, दोनों में फर्क है। ठीक है, क्या हमारे यहाँ प्लेन एरिया है, बिल्कुल है, प्लेन्स। और क्या हमारे यहाँ प्लेट्यू है, बिल्कुल है। यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योग्राफी है किसी भी जगह की, वो उसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है वो चीज भी क्लाइमेट को इफेक्ट कर। जैसे मैंने आपको बताया था शिमला को ले लीजिए, और राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, उसको ले लीजिए। शिमला 2500 फीट, 2500 मीटर की हाइट पर है सी लेवल से, और जो माउंट आबू है वो 1700 मीटर की हाइट पर है, और दोनों का टेम्परेचर ठंडा है। लेकिन राजस्थान आपको पता है खूब गर्मी होती है। एल्टीट्यूड वाले मैंने बताया था ना, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, अब क्योंकि वो ऊंची जगह पर है तो वहां का टेम्परेचर ऑब्वियसली डाउन नहीं आएगा। रिलीफ्स के ऊपर भी आपका टेम्परेचर या कह लीजिए क्लाइमेट आपका डिपेंड करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके ऊपर आपका क्लाइमेट डिपेंड करता है। अब हम शुरू करते हैं मॉनसून क्या चीज है। मॉनसून मॉनसून क्या, पहली बात तो बेटा मॉनसून जो है ये बना है शब्द से, कंपोज्ड फ्रॉम मौसम। मौसम नाम के शब्द से ये बना है, और मौसम का मतलब होता है सीजन, एक बात है। और मॉनसून जो वर्ड है ये वाज गिवन बाय अरेबियंस, वाज गिवन बाय अरेबियंस। आपको पता है हिस्ट्री में जो मध्यकालीन भारत है, मेडिवल जो हिस्ट्री है, जब हम उसमें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया पर अटैक किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त भारत भारत नहीं था, जो आज का भारत है वो नहीं था, छोटे छोटे राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था। उस समय जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर अटैक किया उनमें अरब भी एक थे। अब अरब कौन है, ईरान, इराक, दुबई है ना, यूएई, ओमान, यमन, इन देशों से जो आज ये जो मुल्क है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अरब कंट्रीज। तो ये लोग भारत में आए, अटैक किया, वापस गए। तो इन लोगों ने ही मॉनसून नाम का जो टर्म है वो दिया था अरेबियंस। और मॉनसून का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है बच्चा रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम,
रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको? पवन प्रवाह तंत्र, प्रवाह तंत्र की दिशा में परिवर्तन, यानी कि जो विंड सिस्टम है उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाना, उसी को बोलते हैं मॉनसून, रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम। समझ में आ गई? अब एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इन इंडिया विच काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ रेनफॉल इज, भारत में किस प्रकार की वर्षा होती है? ऑप्शन ए मॉनसूनल टाइप, ऑप्शन बी सीजनल टाइप, सीजनल को बोलते हैं मौसमी, ऑप्शन सी ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक रेन इसको बोलते हैं भाई पर्वतीय वर्षा। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर, भारत में किस प्रकार की वर्षा होती है? और सभी बच्चे लगाएंगे ऑप्शन ए, है ना? जल्दी बोलो, बिल्कुल गलत है बच्चों। मॉनसून क्या है? मॉनसून एक टाइप की विंड है। मॉनसून इज अ टाइप ऑफ सी विंड, एक टाइप की सी विंड है जो क्या करती है, विच ब्रिंग्स ह्यूमिडिटी टू इंडिया, ह्यूमिडिटी टू इंडिया भारत में क्या लाती है, नमी लाती है हवा के साथ मिक्स करके। तो मॉनसून किसी टाइप की बारिश का नाम नहीं है, मॉनसून एक टाइप की सी विंड है, जलीय पवन है जो भारत में नमी लेके घुसती है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ओरोग्राफिक। अब ये कैसे हो गया सर, अभी तक तो हम कुछ और सोचे बैठे थे, आप एक नई कहानी सुना रहे। अब समझो ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, मैंने बताया है ना, चैप्टर 3 में मैंने पढ़ाया था आपको फिजिकल ज्योग्राफी जब हमने पढ़ी थी, कि इंडिया में हिमालयन माउंटेन है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, विंध्याचल माउंटेन है, राजमहल है, काफी सारी हिल्स है। अब देखिए साहब होता क्या है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज इंडिया है ना, और यहाँ आपका एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक। अब ये है वो पर्वत जिसको हम वेस्टर्न घाट कह रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, ये ओशियन है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहां से हवा ऐसे घुसती है भारत में नमी लेके, और मैंने कहा था कि जिस एयर के अंदर मॉइस्चर होगा वो ऐसे जाएगी, वो हैवी होगी ना कि ऐसे जाएगी, समझे। ऐसे तो वो चीज जाती है जिसके अंदर नमी नहीं है, जो गर्म है, गर्म चीज हमेशा सीधी ऊपर उठती है जैसे धुआं है ना। तो ये जो विंड है ये ऐसे आती है, मॉनसून विंड्स ऐसे आते हैं। अब रास्ते में इनको मिलता है पर्वत, मिल गया। अब पर्वत कहता है कि बहना प्यारी या तो ऊपर से जाओ या मेरे अंदर से जाओ। अब माउंटेन बेटा अंदर से तो जाने देगा नहीं ना विंड्स को, तो इसका मतलब क्या है कि ये विंड्स ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी का मतलब है ये हल्की होंगी, और हल्की होने का मतलब है ये अपना जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको लूज करती चली जाएंगी, और लूज करते 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 यहाँ क्लाउड्स बनेंगे, और इस तरफ क्या होगी, झमाझम झमाझम बारिश होगी। और आपको पता होगा यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है मुंबई, मुंबई में हर साल बाढ़ आती है, यहाँ है गोवा और ये है केरला, इन हिस्सों में खूब बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है ना, तो इसीलिए इस पहाड़ी के इस तरफ होती है खूब बारिश। और बेटा ये बारिश किसकी वजह से हो रही है, हिल्स की वजह से हो रही है, पहाड़ की वजह से हो रही है, इसीलिए इस टाइप की माउंटेन को बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन। आप इंडिया से सारे माउंटेन्स हटा लीजिए, एक बूंद बारिश नहीं होगी साहब, एक बूंद बारिश नहीं होगी, क्योंकि मॉनसून विंड्स को रोकने वाली कोई चीज होगी नहीं, और जब तक मॉनसून विंड्स रुकेंगी नहीं वो बारिश करेंगी नहीं। इंडिया में किस टाइप का रेनफॉल है, ऑफ कोर्स इट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल।
में आ गई। उसके बाद ये विंड्स इधर आएंगी इस तरफ, तो क्या इस तरफ बारिश होगी? बादल तो बनेंगे बच्चों, लेकिन बारिश नहीं होगी। और इस तरफ जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया। हालांकि ये चीज क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं उस तक वेट नहीं कर सकता। ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये चीज भी समझ। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? इंडिया में मॉनसून्स क्या करती हैं? एक सी विंड है जो नमी लेके आती है, नमी लेके आती है। अब इस नमी से बारिश कौन करवाएगा? ये माउंटेन्स करवाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिए क्वेश्चन आपके लिए लिखा था कि इंडिया में पर्वतीय वर्षा होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी तक मैंने बारिश कैसे होती है ये नहीं बताया, सिर्फ मॉनसून क्या है उससे आपको अवगत करवाया। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। मॉनसून्स के बारे में बच्चों मैंने अभी बताया, इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? इसका मतलब है रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम, ये इसका मतलब है रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये जो विंड्स हैं इनकी डायरेक्शन रिवर्स क्यों होती है, क्या रीजन है जिसकी वजह से रिवर्स होती है? तो बेटा इसके लिए आपको एक व्यक्ति से मैं मिलवाता हूँ, एक कमाल के करेक्टर से। इनका नाम है मिस्टर कोरियोलिस, कोरियोलिस भाई साहब। कोरियोलिस ने एक बात बताई थी, क्या कहा था इसने? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अ फोर्स इज जनरेटेड, फोर्स इज जनरेटेड, दिस इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स, दिस इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूम रही है उसकी वजह से अर्थ एक फोर्स जनरेट करती है जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। अब क्या चीज है ध्यान से समझना, ये बच्चों समझ लो एक झूला है गोल गोल, झूले पे एक बच्चा यहां बैठा है और एक बच्चा यहां बैठा है, ये सेंटर में है झूले के और झूला ऐसे घूम रहा है। तो सबसे ज्यादा किसके चांसेस हैं कि 32 के 32 दांत बाहर आए, मतलब किसको चोट लगने की पॉसिबिलिटी है? अब ये तो सेंटर में है ऐसे घूम रहा है, तो सीधी सी बात है मैक्सिमम जो फोर्स है वो इस कैरेक्टर के ऊपर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इक्वेटर पर जो आपका कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होता है? जीरो। और पोल पर, पोल्स पर क्या होता है? मैक्सिमम। जो बच्चा ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहा है उसमें कुछ उम्मीद आप कर सकते। तो इसी वजह से बच्चों कोरियोलिस फोर्स पैदा होता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। और मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल्स पर। और मिनिमम कहाँ होता है? जीरो कहाँ होता है? अब एक और प्राणी से मिलवाता हूं आप, इनका नाम है मिस्टर फेरल, मिस्टर फेरल। फेरल भाई साहब ने ये कहा, क्या कहा? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स विंड्स डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दियर डायरेक्शन, फ्रॉम दियर डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? फेरल भाई साहब ने कहा कि कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं हैं चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चल रही हो या सदर्न हेमिस्फेयर में चल रही हो, उत्तरी गोलार्ध में चल रही हो या दक्षिणी गोलार्ध में चल रही हो, तो हवाओं की जो डायरेक्शन है उनमें डिफ्लेक्शन होगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी। यही तो मैं समझा रहा था रिवर्सल, यानी कि रिवर्सल ऑफ जो विंड्स है वो किस बल की वजह से होता है, किस फोर्स की वजह से होता है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और कोरियोलिस फोर्स का विंड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये किसने बताया? फेरल भाई साहब ने। इसीलिए इसको बोलते हैं फेरल्स लॉ, फेरल्स लॉ। अगर आपसे कोई पूछे कि किस फोर्स की वजह से विंड्स अपने डायरेक्शन चेंज
चेंज करते हैं. राइट आंसर कोरियोलिस फोर्स. और किस लॉ की वजह से अपना जो ये डिफ्लेक्शन है ये होता है. लॉ पूछे तो फेरल्स लॉ, यानी कि कोरियोलिस फोर्स की जो क्या एप्लीकेशन है विंड सिस्टम पर, ये किसने बताया? फेरल्स. तो हवाएं अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं किस, ये किसके नियम के अनुसार? ये फेरल के नियम के अनुसार. और किस फोर्स की वजह से करती हैं? ये कोरियोलिस फोर्स की वजह. ठीक है, तो फेरल ने थोड़ी सी जानकारी और दी. आपको पता है बच्चों ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर. तो फेरल भाई साहब ने कहा कि जो भी विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगी वो हमेशा अपने राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी. राइट हैंड साइड, समझ में आ गई बात? कोई भी विंड अगर आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इट विल ऑलवेज डिफ्लेक्ट टू इट्स राइट हैंड साइड. और इसका रिवर्स, अगर कोई भी विंड सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही है तो हमेशा वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगी. अब जैसे मैं हूं, ऐसे खड़ा हूं, तो मेरा लेफ्ट हैंड ये है, इस तरफ ये मूव कर जाएगी. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये है फेरल्स लॉ. फेरल्स लॉ क्या कहता है? एनी विंड विच इज फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल मूव टू इट्स राइट हैंड साइड. एंड अगर वही पवन आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है तो वो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगी. समझ में आ गई? कोरियोलिस फोर्स क्या चीज है, फेरल्स लॉ क्या चीज है. अगली क्लास में, अब आप बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं बारिश करवाने के लिए, लेकिन बच्चों थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा. अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में जो रेन है कैसे होती है, ये तो मैंने बता दिया, कब होती है, कितनी होती है, कहाँ कहाँ होती है, ये सारी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो. तब तक खाते का इंतजाम करके रखिएगा, अगली क्लास में आप भीग सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे. और इस वीडियो के बारे में आपको चर्चा जरूर करनी है अपने 5 दोस्तों तक, ताकि आपके साथ साथ में, आपके साथ मिलकर वो भी बारिश में खेल सके. थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस. थैंक यू.